चैनल इंडियन एक्का बॉय बैक विद अ न्यू वीडियो। तो जैसा कि प्रॉमिस किया था प्रीवियस वीडियो में, आज हम बात कर रहे हैं एक्सोलॉट और इसके बारे में हम जानेंगे कि मतलब क्या कलर है, कैसे रहते हैं, क्या है, वो सईद भाई से हम डिटेल लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो सईद भाई, आप बताइए इसके इन क्रिएचर्स के बारे में। तो इसको बोलते हैं वॉकिंग फिश। ओके, वॉकिंग, ये वॉकिंग फिश है, इसका नाम है एक्सोलॉट फिश है। तो ये पानी के अंदर रहता है, इसका टेम्परेचर रहता है थोड़ा, पानी का टेम्परेचर थोड़ा कोल्ड ही मेंटेन करना पड़ता है, क्यों बोले तो ये स्किन से भी बहुत सॉफ्ट रहता है। ओके, तो इनके बारे में अभी क्या समझाऊँ, नॉर्मल मेंटेनेंस बहुत कम है इनका, कुछ मेंटेनेंस है ही नहीं, तो कुछ समझा भी नहीं सकता। नॉर्मल ये छोटे फिश या इंसेक्ट खा लेते हैं, जो भी छोटा छोटा कीड़ा रहता है वो खाते हैं, और छोटा फीडिंग फिश डालेंगे तो वो भी खा लेंगे। और इनका जो ये मेन पॉइंट क्या है, वॉकिंग फिश है। फिश पैर से चलती है, जैसा चिपकली, एज इट इज लाइक चिपकली है, और पानी में ही रहता है, बाहर भी रहता है, तो ज्यादा देर बाहर भी रहता है। हाँ, ज्यादा देर बाहर नहीं रख सकते। वॉकिंग करता है, मतलब लैंड लेता है, फिर पानी के अंदर जंप कर देता है। क्रोकोडाइल जैसे है, क्रोकोडाइल तो ज्यादा देर बाहर रहता है, लेकिन ये नहीं रह सकता। 10 मिनट के ऊपर बाहर नहीं रह सकता। हाँ, तो इसको लाइट ऑक्सीजन चाहिए, एकदम लाइट, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, एकदम लाइट ऑक्सीजन चाहिए। और ये ऐसा हाइडिंग पाइप डाल देंगे, हाइडिंग पाइप चल जाएगा। पूरे देखिए आराम से बहुत हेल्दी रहेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास अभी 2 कलर अवेलेबल है। तो इनकी लाइफ स्पैन भी मैं बोल देता हूँ, इनकी लाइफ स्पैन 15 साल की है। 15 साल जीते हैं, 15 साल जीते हैं ये। हाँ देखिए, ये बहुत अच्छी फिश है और बहुत रेयर है। हाँ, और साइज भी इसका बहुत अच्छा खासा है। तो ये 6 इंच के हैं कि ये फुल साइज है? ये नहीं, अभी बच्चे हैं ये, अभी छोटे। हाँ, मतलब उतने छोटे बच्चे नहीं है इनके, जो इतने बच्चे आते हैं, लेकिन उतने भी छोटे नहीं है, थोड़े बड़े हैं। तो इसमें मेरे पास आप 2 कलर देख सकते हैं, 2 कलर अवेलेबल है मेरे पास अभी, ये वाला येलो। हाँ, और ये इनकी खासियत ये है कि जैसा आप इनके हाथ पैर देख रहे हैं ना, अगर ये निकल जाए, मतलब कट हो जाए, तो वो रीग्रोन कर लेंगे। रीग्रोथ है इनकी? हाँ, रीग्रोथ है इनके हाथ पैर की, रीग्रोथ है। और जो इनके विंग्स है ना, जो ये साइड में आप विंग्स देख रहे हैं, तो इससे ये ऑक्सीजन लेते हैं। अगर ये भी कट हो जाए तो ये भी रीग्रोथ हो जाएगा। इनकी बहुत अच्छी खासियत है बॉडी का, इनका कोई भी बॉडी पार्ट अगर कट हो गया तो ये रीग्रोथ कर लेते हैं। तो अब सही भाई, इनका प्राइस कैसा होगा? सिंगल पीस का 5000 रुपीज़ है। ट्रांसपोर्ट तो सब लोग जानते ही होंगे कि पूरे इंडिया ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है मेरे पास। जो भी ट्रांसपोर्ट चार्ज रहेगा वो अलग रहेगा, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया 500 रुपीज़ लेता हूँ मैं। अगर गाड़ी वाया होके जा रही है, मतलब कटिंग होके जा रही है, जिसके छोटे छोटे गाँव भी रहते हैं, उनको बहुत अरमान रहती है पालने की, अब ऐसे आदमी को भेजना हो तो 100-200 ज़्यादा हो जाएंगे ट्रांसपोर्ट के, वाया होके जाएगा वो। तो गाइस, ये एक छोटा सा वीडियो था एक्सोलॉट पे, जिसके बारे में हमने जाना कि उसका लाइफ स्पैन क्या है, कैसे रख सकते हैं, क्या खाता है और कैसे रखना चाहिए। सो अगला वीडियो हम किस पे बात करने वाले हैं सईद भाई? मैं अभी अंगोरा और गिनी पिग है मेरे पास। तो मैं एक्सोलॉट के बारे में बोल दूंगा। एक्सोलॉट जिसको भी अगर उनको नॉलेज नहीं है पालने की, पहले मेरे से जान लें कि कैसे पालना है और कैसे रखना है, उसके बाद ही उसको प्रिफेयर करें, मतलब ले। सभी के पास तो पैसा रहता ही है, लेकिन उसके लिए इन्वेस्ट सोच समझ के करना अलग बात है, और एनिमल पे इन्वेस्ट करना अलग बात है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गाइस की, आई मीन व्हाटएवर पेट यू वांट टू बाय और कीप इट, सो इट्स मस्ट, पहले जान लेना चाहिए कि कैसे रखना है। क्यों बोले तो एक्सोलॉट का बहुत अलग ही टेम्परेचर है, मैं सभी वीडियो में ये बोलता नहीं हूँ। एक्सोलॉट बहुत अलग फिश है और बहुत रेयर वैरायटी है, ताकि इसको मैं भी बहुत चाहता हूँ कि भाई इंडिया में ये ब्रीड हो और सभी घर पे रहे, ताकि जैसे फॉरेन में आप देख सकते हो वीडियो पे वगैरह पे, और सभी के पास रहता है स्टॉक। अगर वो 4 एक्वेरियम रखे हैं तो एक्सोलॉट भी उनके पास रहेगा। हमारे इंडिया में एक्सोलॉट क्या क्या चीज़ है वो किसी को पता नहीं है। तो गाइस, इनको इसका क्रेज़ बढ़ाइए, जिसको भी चाहिए मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं 100% नॉलेज दूंगा। तो मैं इसमें मेरा प्राइवेट नंबर चाहिए तो शेयर करूंगा, मुझे आप कॉल कर सकते हैं, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो गाइस, ये हमको मिला काफ़ी लाइक यूज़फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सोलॉट और प्लस की, मतलब जान लें आप रखने से पहले। तो ये वीडियो हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अंगूरा रैबिट्स और गिनी पिग्स। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।